हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग द वीडियोस एंड वेलकम टू पिंकी गोयल कॉमर्स क्लासेस। इन दिस वीडियो वी कवर द चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकॉनमी, यानी कि 1950 से 1990 तक। तो इस दौरान इंडिया में इकॉनमी में क्या क्या प्लान्स किए गए, क्या क्या गोल बनाए गए ताकि आप लोगों की इकॉनमी में रिफॉर्म आ सके, यानी कि डेवलपमेंट हो सके, स्ट्रेटजी हो सके। तो इस चैप्टर में बेटा हम लोग, हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए, क्योंकि इन प्रीवियस चैप्टर वी कवर ऑल द इंसिडेंट जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड ने हमारे इंडिया में किए, जिससे कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ। अगर मॉडर्न ब्लीक कुछ डेवलपमेंट हुई तो वो क्या क्या थी। तो इस चैप्टर में अब हम उनको, यानी कि अब हम लोगों ने 1950, और आप लोगों को मालूम है कि 1947 में हमें ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिल गई थी। तो स्टार्टिंग में एट दैट टाइम हमारी इकॉनमी की क्या सिचुएशन थी, यानी कि बहुत स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड इकॉनमी थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किए। तो लेट्स स्टार्ट। बट अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। तो वट आर द गोल्स ऑफ 5-ईयर प्लान? आपको पता है कि 1950 से 1990 के बीच में हमारे देश में कानून लागू किया गया। कानून क्या, हमारी प्लानिंग की गई। प्लानिंग मीन्स डेवलपमेंट की नीतियाँ बनाई गई। तो वो कैसे बनाई गई थी, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि प्लान होता क्या है। प्लान का मतलब क्या है, प्लानिंग क्या है। अगर आप लोगों ने एक शर्ट ख़रीदनी है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि हमने यहाँ से ख़रीदेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसी होगी तो लेंगे, तो आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी दिमाग के रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो। तो प्लानिंग होती क्या है, क्योंकि आप लोग उसमें कई चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। तो अ प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज़। तो प्लानिंग में क्या होता है कि जिसमें आपको क्लियरली ऑब्जेक्ट हो, जैसे अब आपने शर्ट खरीदने जाना है कि मैंने इतने बजे इस दुकान पर ही जाना है और इस रेंज के बीच में मैंने अपनी शर्ट खरीदनी है। तो ये प्लानिंग क्या होती है कि एक तरह से आपके गोल्स को, यानी कि आपके उद्देश्य को क्लियरली कर देती है। जिसमें प्लानिंग को दो पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि पार्टिकुलरली क्या है, और उसके साथ ही कुछ एक जनरल गोल्स भी होते हैं जिनको आप करते हैं। जैसे कि अगर आपने मार्केट जाना है और पार्टिकुलरली एक चीज़ के लिए स्पेशली आपको वो रिक्वायर्ड है, और उसके साथ आप कहते हैं चलो ये भी कराएंगे, ये भी कराएंगे, तो वो जनरल गोल्स हो जाएंगे। तो विच आर टू बी अचीव विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो इन इंडिया जो प्लानिंग्स का मेनली जो टाइम होता है उन्हें हम 5-ईयर प्लान कहते हैं, या वी बोरोड दिस फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत यूनियन, द पायनियर इन नेशनल प्लानिंग। यानी कि मेनली हम लोगों ने जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग बोलते हैं प्लान्स का, वो 5 साल का है। अवर प्लान डॉक्यूमेंट्स नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस एक साल में हम लोगों ने क्या क्या करना है, कि हमें उन 5 सालों में हमने वो योजना को लागू किया है या ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसको कैसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर एंड बट आल्सो व्हाट इज़ टू बी अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान इज़ कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपके देश के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ को जो प्रोवाइड किया जाता है, या आप लोगों को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, बेसिकली उसे पर्सपेक्टिव प्लान्स कहा जाता है। नाउ कि इन प्लानिंग को बनाने के लिए इंडिया में क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या उद्देश्य थे। तो कॉमन गोल ऑफ द 5-ईयर प्लान, इनका क्या था मेन, याद रखना है आप लोगों ने 1 मार्क्स में, कि व्हाट आर द गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो हल्का सा मैं इनको अभी आपको एक एक लाइन में मीनिंग क्लियर कर रही हूँ, नेक्स्ट जब आगे आएगा ये टॉपिक उसको और करेंगे। तो ग्रोथ मीन्स तरक्की के लिए, कि आप अपने देश में हर, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 1947 के समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, यानी जो हमारी इकॉनमी थी, वो बिल्कुल ही ठहराव पे थी, पिछड़ी हुई थी। तो उसकी तरक्की के लिए, फिर मॉडर्नाइजेशन मीन्स कि मॉडर्न तरीके को अडॉप्ट करना ताकि और मोर एम्प्लॉयमेंट भी हो सके। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर, यानी कि देश को इतना सक्षम बनाना कि वह दूसरे देशों पर निर्भर ना रहकर स्वयं अपने देश में ही वस्तुओं का उत्पादन करे, यानी कि सेल्फ रिलायंस। ये नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन में जस्ट आपने कोई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया तो आप मॉडर्न हो गए। तो यहाँ पर ये होता है कि खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, इंडिपेंडेंट तरीके से आपने अपने देश की तरक्की करना। और इक्विटी,
यानी कि समानता, यानी कि देश में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति पे, रंग भेदभाव पे और सेक्स के बेसिस पर, यानी कि मेल फीमेल है उनके बेसिस पर कोई भेदभाव हो, यानी कि हर भारतीय को इक्वल अधिकार होने चाहिए। तो ये मेन उद्देश्य थे हमारे प्लानिंग के। अब दिस डज नॉट मीन दैट ऑल द प्लान्स हैव गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस टू ऑल दीज गोल्स, इट विल बी अनरियलिस्टिक। अगर हम लोग सोचें कि सभी को इक्वल प्लान दी गई है, क्यों हम इक्वल नहीं दे सकते थे, क्योंकि हमारे देश में जो साधन थे, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज अ चॉइस हैज़ टू बी मेड इन ईच प्लान अबाउट विच ऑफ द गोल इज़ टू बी द प्राइमरी इम्पॉर्टेंस। तो यानी कि गोल्स को, यानी कि जो आपका उद्देश्य है उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा या संशय नहीं होना चाहिए, यानी कि जो सबको इक्वली बेनिफिटेबल हो उनके हिसाब से, क्योंकि आपके देश में जो भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत अबंडेंट मात्रा में नहीं है, अलग अलग लोगों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो इन गोल्स को पूरा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि इनको प्राइमरी के बेसिस पर, यानी कि आज हमारे देश में किन चीज़ों की पहले ज़रूरत है जिससे हम सक्षम बन सकें, तो उनके बारे में पहले उनको रिसोर्सेज बांटे गए। आगे देखिए, फॉर एग्जांपल द गोल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी मे बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं कि इसमें मतभेद हो सकता है कि अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए, क्योंकि लोगों को हटाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि लोगों का काम कम होगा और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी रिड्यूस द नीड फॉर लेबर, देयर फॉर द प्लानर्स हैव टू बैलेंस द गोल। अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब इंडीड, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने तरक्की भी करनी है और लोगों के बारे में भी सोचना है। तो वो इस बात के लिए इंश्योर करते हैं कि जितना पॉसिबल हो सके पॉलिसीज़ को बनाया जाए, लेकिन वो एक दूसरे के उद्देश्य को कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि एक दूसरे का विरोध ना करें। अब देखिए ग्रोथ क्या होती है, अभी मैंने आपको चार चीज़ें बताई, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ डिपेंडेंट और इक्विटी। तो इनका मीनिंग क्या क्या है और इसे हम कैसे कर सकते हैं। ग्रोथ रेफर टू इंक्रीज इन द कंट्रीज़ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, यानी कि देश में वस्तुओं का और सेवाओं का अधिकतम उत्पादन किया जाए जो उनके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी कि देश के रिसोर्सेज का फुल्ली एफिशेंटली यूटिलाइज किया जाए। ग्रोथ के कारण लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, यानी कि कैपिटल गुड्स ज़्यादा होंगी। फिर लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग, अगर ये ज़्यादा होंगी तभी ज़्यादा होंगी जब आपका प्रोडक्टिव कैपिटल अधिक होगी। और फिर इंक्रीज़ इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। एक्चुअली क्या होता है कि गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टडी जब उस समय इंक्रीज़ इन द जीडीपी, जीडीपी इंक्रीज़ करने से, यानी कि जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि आपकी आय, आय तो आय का मतलब ये नहीं है कि आय जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है तो आपकी ग्रोथ हो रही है, अगर आपकी रियल जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है तो ही ग्रोथ हो रही है। जीडीपी, अब इसमें एग्जांपल जैसे अभी हमने आपको बताया उसमें एक एग्जांपल को लेके हम लोग काम करते हैं कि जैसे सपोज़ करो आपने पिछले वर्ष में या प्रीवियस ईयर में आप लोगों ने टोटल जो आउटपुट प्रोड्यूस की 1000 यूनिट की और 1000 को यूनिट को प्रोड्यूस करने में आपके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थे वो 1 लाख लगे, तो हम लोगों ने फाइनल गुड्स लेने हैं तो 1 लाख की हमारी इनकम हो गई, टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ या जो फाइनल गुड्स की है वो 1 लाख हो गई। अब मान लो क्या हुआ कि आपने जीडीपी को 1,20,000 से शो किया, तो ये आपकी इंक्रीज़ नहीं हुई, ग्रोथ नहीं हुई, वो क्यों, क्योंकि आपने इस साल भी 1000 यूनिट ही प्रोड्यूस की हैं लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या यू कैन से रॉ मटेरियल महंगा हो गया या कॉस्ट लेबर जो वेजेस हैं वो महंगे हो गए हैं, आपने 1000 यूनिट के 1,20,000 रुपीज़ को स्पेंड किया या फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया, तो आपकी जीडीपी तो इंक्रीज़ हो गई 20,000 से, बिकॉज जीडीपी का मतलब होता है आपकी देश की सीमाओं के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को फाइनल आउटपुट को प्रोड्यूस करना, तो आपकी 1,20,000। तो आप कहेंगे कि हमने तरक्की कर ली, नो दिस इज़ नॉट द राइट वे, जीडीपी इज़ द, अब देखिए जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो इसमें कहता है कि ग्रोथ के लिए आपको जरूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज इफ़ द पीपल ऑफ इंडिया आर टू एन्जॉय मोर रिच एंड वेराइड लाइफ।
ठीक है। तो अब उसने डिफरेंट सेक्टर से इंक्रीज़ किया, नेमली एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, तीनों ने इंक्लूड कर दिया। वो कहता है कि एज अ कंट्री डेवलप इट अंडरगो स्ट्रक्चर चेंजेस, अगर उसमें तरक्की होती तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस करती। विद द डेवलपमेंट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन एंड द शेयर ऑफ इंडस्ट्री बिकम अ डोमिनेंट एट हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू जी डी पी देन द अदर टू सेक्टर। तो एग्रीकल्चर का जी डी पी वॉज मोर देन 50% एज वी वुड एक्सपेक्ट फॉर अ पुअर कंट्री, बट बाई 1990 द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर वॉज 40.59% मोर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री लाइक वी फाउंड इन अ डेवलप्ड नेशन। तो यानी कि देखिए जाए कि जहाँ पर तरक्की कहाँ होती है, जब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर या आपका जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो, या फिर आपकी रियल जी डी पी यानी कि अब आपने 1000 की जगह 1200 आउटपुट रिसोर्सेज को यूनिट को प्रोड्यूस किया विद इन सेम कॉस्ट, देन देर इज़ अ ग्रोथ। या फिर अगर आप लोगों ने उसी यूनिट को 1200 को कराया तो उसमें आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस कैसे हो गई, एफिशेंसी इंक्रीज हो गई आपकी और प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। आगे देखिए, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 1950-91 में, एग्रीकल्चर में 1985-91 में 59 थी और 1990 में देखो रिड्यूस हो गई, यहाँ पर 13% 24.6 और 28 से 40। तो ये देखिए कितना इंक्रीज और चेंज हो रहा है, क्लियर। ये है आपका सेक्टर, तो इसे बोलते हैं हम लोग ग्रोथ, यानी कि हम लोगों ने इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ की वाइल वी आर डिक्लाइंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, अडॉप्टेशन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इंक्रीज द आउटपुट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। अब देखिए, ए फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग अ न्यू टाइप ऑफ मशीन। तो ये मॉडर्नाइजेशन तो हुई, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है, डज नॉट रेफर ओनली टू द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट आल्सो टू चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज रिकॉग्नाइजेशन दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट एज मैन। उनकी पहचान भी होनी चाहिए, तभी तो होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपके देश में वुमेंस को कहा जाए कि पढ़ो पढ़ो लिखो, लेकिन उनको सर्विस करने ना दी जाए कि आपने बाहर नहीं जाना, देन दैट इज़ नॉट मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन होता है कि आपने अपने विचारों को भी चेंज किया है, यानी कि लड़की को पढ़ाया लिखाया तो साथ में उसको वर्किंग की भी फैसिलिटीज़ देनी है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी वुमेन आर सपोज टू रिमेन एट होम वाइल मैन एट वर्क, एट मॉडर्न सोसाइटी मेक यूज़ ऑफ द टैलेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस इन बैंक्स फैक्ट्री स्कूल। तो ये सोसाइटी प्रॉस्पेरेक्ट होती है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट हो रहा है। और सेल्फ रिलायंस, ए नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ऑन रिसोर्सेज और बाय यूजिंग रिसोर्सेज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर नेशन, यानी कि आपने जो दूसरे देशों से निर्यात किए गए हैं उन रिसोर्सेज को अपने ही देश में उनको उत्पादन करना यानी कि प्रोडक्शन करना। तो जो पहले 7-5 ईयर प्लान थे उन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया सेल्फ रिलायंस पर। सेल्फ रिलायंस का मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। तो ये जो पॉलिसी बनाई गई थी वो रिड्यूस, मतलब उसका मेन उद्देश्य था कि हम दूसरे देशों पर जो निर्भर हैं उन पर कम हो, टू रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज स्पेशली फॉर फूड। और जो कि हमारा हुआ भी, जैसे कि अगर आप लोग कहें ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये इसके एग्जाम्पल हैं कि हम लोगों ने सेल्फ रिलायंस हो गए। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट पीपल हु वर रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन शुड गिव इम्पोर्टेंस टू द सेल्फ रिलायंस। फर्दर इट वॉज फियर्ड दैट डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फूड सप्लाई, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल मे मेक इंडिया सोवरेनिटी वनरेबल टू फॉरेनर्स इंटरफेरेंस इन अवर पॉलिसी। सेकेंडली, उन हम भारतीयों को ये भी अंदेशा था कि अगर हम लोग अधिकतर फॉरनर्स पर डिपेंडेंट होंगे, फॉरन लोगों के खाने के ऊपर, तो वो हमारी फॉरन पॉलिसीज़ और ट्रेड में इंटरफेयर करेंगे और डोमिनेंट कर लेंगे दोबारा से। फिर अब लास्ट में इसमें आ रहा है इक्विटी। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस में नॉट इम्प्रूव द पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो लोगों के स्टैंडर्ड को नहीं इम्प्रूव कर सकते, लेकिन अगर अधिकतर लोग जो हमारे देश के हैं वो पॉवर्टी या उससे नीचे रहें, तो इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट।
Equity means to ensure that the benefits of economic prosperity reach to the poor section as well instead of being employed by the rich. इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि लोगों की आय के वितरण में अलग अलग, वो भी रिड्यूस होना चाहिए. हर एक भारतीय को इतना कैपेबल, इतना सक्षम होना चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स हैं जो उसकी, खाना, एक अच्छा रहने के लिए स्थान और एजुकेशन और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ को मिल सकें. साथ ही हर भारतीय में इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति के ऊपर, रंग के ऊपर. तो इस तरह से इक्विटी को फॉलो करना चाहिए. बच्चों, अगर आप लोगों को ये समझ आ गया हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू. आज के लिए इतना ही बहुत है. नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता लगेगा कि गोल्स कितने तरह के होते हैं और किस तरह से गोल्स को बनाया गया था, तो कितने पार्ट्स में. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए. थैंक यू.